कैसा चिता रहे हो आप घर आके, बहुत अच्छा चिता रही हो। अच्छा चिता रही यही डाल रहा हूँ, जो बोल रहा है ना तू वही डालूंगा। और मैं और शिवांश सुबह सुबह छत में घूम रहे, क्योंकि शिवांश की ड्यूटी अभी मेरे पास है शिवांश को संभालने की, क्योंकि मम्मा भी बिजी है शिवांश की और चाची भी बिजी है। तो इस वजह से आज ना इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, इसके पेट में ना जूगे हो गए हैं। जूगे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वैसे जूगे बोलते हैं। आज इसके जूगे मंत्र के लाने हैं, इसके पेट में कू 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 कर रहा है ना, है ना। तो आज तो बिना हाथ मुंह धोए ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उठाऊं शिवांश आ गया है मेरे पास, क्योंकि भाभी लोग को काम करना था और थोड़ी देर इसको मैंने संभालना है, फिर उसके बाद मैं अपना व्लॉग वगैरह अपलोड करता हूं कल वाला। रात भर नहीं सोया है ये बेचारा, इसको बहुत दिक्कत हो रही है। कल भी इसके जूगे मंत्र के लाए थे, आज भी जाना है। तो सुबह के छोटे मोटे काम निपटा के अभी थोड़ा सा फ्री होके करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए व्लॉग में। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, हम लोग भी बढ़िया। तो व्लॉग की स्टार्टिंग होनी ज़रूरी है, स्टार्ट हो गया है तो बन जाएगा कुछ ना कुछ शाम तक, और थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अब व्लॉग अपलोड करता हूँ उसके बाद। ओके बाय। बाकी काफ़ी दिनों के बाद आज का मौसम एकदम क्लीन है, उधर साइड सुगड़ी और एक ग्वील गाँव में तक पूरी धूप आ गई है। हमारे यहाँ तो 10 बजे से पहले धूप नहीं आ पाएगी, चमले एक हर जगह धूप है। और यहाँ से होगा थोड़ी देर बाद सनराइज हमारी साइड, तभी धूप नहीं दिख रही है। तो एक दो दिन से आपने छोटी को नहीं देखा होगा, काइनू को, तो एक दो दिन से व्लॉग में नहीं आ पाई, रो रही है बेचारी। अभी ना इसकी सिकाई चल रही है, देखो हीटर लगा रखा है। काइनू काइनू ओले, भूख लगी उसको। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। क्या कर रहे हैं नमू? तो दोपहर के 10 बज गए हैं और अभी चल रहा है इनका ब्रेकफास्ट। इतना लेट क्यों? क्योंकि मैं सुबह से काम में बिजी था तो बैठी थी। ये देख रहे हो, तू बैठी थी बोल रहे हैं। ये व्लॉग अपलोड कर रहे थे, नम्मू ने आधे में इनका 52% में कैंसिल करके फिर दोबारा अपलोड किया इन्होंने। कैसा लगा आपको, कैसा चिताया आपने? बहुत गंदा चिताया। नम्मू तूने कैसा चिताया? है गंदा, गंदा चिताया। अच्छा चिताया वो, यहाँ नीचे फेंक गया ना इसको, इधर को। तो नम्मू जो है हमारा पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, और मैं उसको पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। जब जब ये सोचता है, जब जब चाची का ध्यान भटक गया तो मैं भाग जाऊँ अपनी नोटबुक। हाँ गाने के लिए ढूंढता है हर समय, बोलता है चिप्स चाहिए चॉकलेट चाहिए। थोड़ा सा फैमिली में मुझसे ये डरता है ना, डरता है चाची से, थोड़ा डरता है ना चाची से, नहीं डरता ना चाची से नहीं डरता वो। तो बाकी भाभी भी यहाँ पर है, भाभी से भी मुलाकात करवाते हैं। नहाई धोई सी भाभी जी बैठी है यहाँ पर। शिवांश बेचारा हमारा बीमार हो रखा है। देखो शिवांश शिवांश, ये इसको पता नहीं किसकी नजर लग गई है, सच में इसको नजर लग गई है। परसों जिस दिन नामकरण था उस दिन से इसको नजर लग गई है। और शिवांश जो है ना बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेस हो गया उस दिन से, बहुत ही वीक फील कर रहा है। और भाभी अभी इसकी सिकाई कर रही थी, तेल मालिश कर रही थी धूप में। भाभी इधर देखो फिर। कैसा चिता रहे हो आप घर आके, बहुत अच्छा चिता रहे हो। अच्छा चिता रहे हो, थोड़ा शिवांश की वजह से दिमाग खराब हो रहा है ना, बाकी सब ठीक है। अब कितना रहोगे फिर घर? जितना हम रहेंगे उतना रहोगे। अभी नम्मू का स्कूल खुलने वाला है, उसके बाद ही जाएंगे भाभी लोग। बाकी हमने अपनी छत को कैसे यूटिलाइज किया वो दिखाती हूँ आपको मैं। ये हमारा पाख वाला छत है, इसको हमने ऐसे यूज किया है। ये देखो भाभी ने चारों तरफ कपड़े डाल दिए, छोटी और शिवांश के कपड़े हैं ये। और छोटी अभी सो रखी है, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग शूट कर लूँ। बाकी मुझे बहुत सारा काम है, अभी नीचे जाना है मुझे, तो फिर मिलते हैं। आपको कुछ कहना है? क्या मस्त खाना बनाया। किसने बनाया है? जिसने भी बनाया है।
अच्छा बनाया है भाभी ने, बनाई है सब्जी, भूख मीठी भोजन मीठा वाला है। क्या कहना चाह रहे हो, मतलब सब्जी इतनी बनाई है भाभी ने, जैसी भी बनी है बहुत मस्त हो रहा है। अच्छा, या फिर मुझे भूख बहुत जोरदार लगी है। कितनी रोटियां खा ली? पांच रोटी खा ली भाई 10 बजे है। तो मैं अभी नम्मू को पढ़ाती हूँ थोड़ा, है नम्मू पढ़ेगा? नम्मू उनको मच्छर बोल, तो वो मच्छर क्यों उखाड़े तूने? इधर आ, कौशे कबूतर बोलेगा, बोल कौशे कबूतर। कौशे बोल, कौशे कबूतर, कौशे कबूतर, कौशे कबूतर। ये कागो बोलता है ट, ट प्रोनाउंस करता है कागो, तो कौशे कबूतर को बोलता है ट से टबूतर। मुझे लगता है सिवान साफ बोलने लग जाएगा, नम्मू बोलेगा टबूतर। हम लोग छत में मजे कर रहे हैं और पापा नीचे काम कर रहे हैं और मम्मी गई है घास लेने के लिए गाय भैंस के लिए, तो हम लोग घर का काम कर रहे हैं। ये तो लोग बोलेंगे कि बहुआ घर में बैठी है और सास काम कर रही है, ऐसा भी बोलते हैं यहाँ के लोग। हमारे बच्चे हैं भाई, हमको घर में भी काम करना पड़ता है ना नम्मू, है ना घर में काम करना पड़ता है ना मम्मी को चाची को, है कौन करता है ज्यादा काम, मम्मी चाची या दादी? बेइज्जती कर रहे हैं क्या? है दादी करती है, बेइज्जती कर रहे दादी करती, दादी क्या काम करती है? दादी सब काट लेके आएगी, भी फेंक देगी यहाँ पे। दादी सबसे ज्यादा काम करती है, आज पहले उठती है। सब बेइज्जती कर रहे हैं ब्लॉग, आज पहले उठती है बोलना। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और स्नेहा का क्या काम चल रहा है वो दिखा रहा हूँ नीचे जाके। आज थोड़ी देर में नम्मू भी व्लॉग स्टार्ट करने वाला है, नम्मू के चैनल का लिंक दूंगा मैं आपको अगर नम्मू ने आज व्लॉग बनाया तो, ठीक है? ओके बनाएगा, ठीक है। नम्मू ऐसे बनाता है लेकिन एक ही क्लिप में पूरा व्लॉग बना देता है, आज इसका व्लॉग अच्छे से बनाएंगे हम, है ना? हाँ मैं सिखाऊंगा ना कैसे करना है करके। बाकी ये गाय के गले में पता नहीं क्या हो रहा है, दिन भर परेशान है, आज दिन भर मतलब सुबह से परेशान है। और स्नेहा देखो, वाह क्या बात है, क्या बात है, वाह। उसको मैं बुखार आ रखा है गाय को, एक सिंग वाली भैंस है हमारी और उसको नहला रही है स्नेहा। मम्मी को दिखा रही हूँ, मम्मी घास और मम्मी आ गई है घास लेके, ये नम्मू पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। अभी मत जाना दिल मंदिर, पापा से आ रहे हैं दुकान पे। अरे तो 12:01 का टाइम हो रहा है और नमन और मैं कहाँ जा रहे हैं नमन? बाइक धोने जा रहे हैं हम, काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी टाइम मतलब 1.5 महीना हो गया बाइक धुली नहीं है मेरी, तो आज मुझे लग रहा है कि धो लेनी चाहिए। पाइप ले आए हैं, देखो इसने कैसे गले में डाल रखा है, तो पाइप ले आए हैं और लगाते हैं। पहले मैं वहाँ से बाइक लेके यहाँ पे लाता हूँ, फिर यहाँ टंकी से पानी लगाते हैं धोते हैं। यहाँ पे राजीव दा लोगों की टंकी में ना हमने काफ़ी सारा पानी भर रखा है परसों नामकरण के लिए, तो यहाँ पे लगाएंगे बाइक, वहाँ से ले आते हैं पहले फिर धोते हैं। ये कुछ जा रहा है आसमान में, एकदम वाइट सी लाइन सी दिख रही है बस धुएं की, और कोई फाइटर जेट है या कुछ है लेकिन दिख नहीं रहा है। नम्मू तो पीछे ही पड़ गया है, तेरे पापा जा रहे हैं उसमें है ना? अभी अभी एक गया था, फिर से एक आ गया है, ये देखो, और लेकिन दिख नहीं रहा है, काफी ज्यादा ऊंचाई में लग रहा है। वो टॉप पे हो रहा है, जो वो टॉप में हो रहा है ना? हाँ, कहीं इसमें एनएसजी वाले तो नहीं है तेरे पापा लोग? हैं? ट्रेन कैसी लगी है मेरे? बता। मुझे लग रहा है तेरे पापा ही हैं इसमें, देखो टेढ़ा टेढ़ा कैसे जा रहा है वो। बहन का ये तो रास्ता बन गया। कैसा बना दिया इन्होंने? एयरफोर्स वाले तो नहीं हैं ये? एयरफोर्स वाले ही तो हैं फिर। अबे हाँ हाँ। तो पानी भी आ गया, हमारा झाग बन रहा है, बाकी बाइक रेडी है धुलने के लिए। काफी भी नहला देते हैं नम्मू, हैं क्यों ना? चल फिर मैं अब थोड़ा पानी डालता हूँ इसमें, ऐसे डालते हैं। इधर 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 आजा। तो बाइक चमक के एकदम रेडी हो चुकी है और
थोड़ा सा एक छोटी सी राइड पे जाएंगे नमन और मैं यहाँ तक, क्योंकि हमने जाना है डॉक्टर के पास, शिवांश के लिए कुछ दवाई लेके आनी है। चले नमो। ये किसने दिए, कितने रुपए मिले? 500। किसने दिए? दादू। दादू ने दिए? क्या लेने के लिए दिए? थम्स अप। वाह, तू भी पिएगा थम्स अप? मत पीना, गला खराब हो जाएगा। मत पीना कह रहा हूँ थम्स अप। तो अब कर लेते हैं लंच। आज लंच में स्नेहा को भी चावल मिला है, थोड़ा सा छोटू सा चावल। वैसे ये खाती है रोटियां, तो इसको चावल खाने को बोला है थोड़ा थोड़ा। अब तो इतने दिनों के बाद चावल खा के कैसा चिता रही है? अच्छा चिता रही, मुझे चावल वैसे आज पूरे ब्लॉग में चिता रही है वाला बहुत कर दिया है। हमने कॉपी कर दिया है सीधे पहाड़ से गणेश भाई को। तो गणेश भाई इसकी रॉयल्टी ना मांग लेना आप। कोई नहीं, मांग वैसे भी आधा डॉलर बनेगा। क्या मांगोगी गाज से? क्या हम खाएंगे, क्या तुम्हें देंगे? कि मैं खून क्यों दी, कितनी दूँ, कितने दूँ, कि खून की लगून। देखा, मेरे को भी बहुत पता है वो मुहावरे, क्या बोलते हैं? ये मुहावरा है एंड क्या बोलते हैं, कथ नहीं, पता नहीं जो भी बोलते पता है।